Hey, welcome back. I am Dharamendra sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली अंग्रेजी जो हम लोग बोलना सीखना है ना, आप चाहते हो ना अंग्रेजी बोलना तो शुरुआत करो ना। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज़। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जिससे अंग्रेजी बोलना लिखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। चुटकियों में अंग्रेजी बोलना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। बस मेरे साथ शुरू करिए, लग जाइए मेरे साथ एक एक चीज़ को लेकर के। हमने इसके पहले इज़े मार दिया, वाजबियर दिया कि आप कैसे बोलो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ विल बी शैल बी। यहाँ पे मॉडल्स है, इस मॉडल्स के माध्यम से हमने बोला विल शैल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद विल लगा दिया, शैल लगा दिया, विल। एक्चुअली विल और शैल है क्या? विल और शैल एक मॉडल्स है और मॉडल्स अपने साथ भी वन लेता है, इसलिए बी मत सोचना बी कुछ और है। ये बी बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे बोलते ना, आई विल गो, आई विल ईट, आई विल सीट, आई विल गो देयर, आई विल मीट यू, आई विल सीट, तो इस तरह से बोलते हैं। उस प्रकार बी जो है ये भी वन का ही काम कर रहा है, कंपनसेशन थ्योरी। और बी का मतलब होना, तो जहां भी होने का बोध कराएंगे ना वहां पे बी आ जाएगा। समझ पा रहे बात? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस नाउन। अब इसके बाद तुम नाउन लगा सकते हो। जैसे हमने कहा ही विल बी अ डॉक्टर, तो नाउन लगाओगे तो यहां पे आर्टिकल लगा देना। क्या लगा देना? आर्टिकल लगा देना, चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ। जैसे ही विल बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर होगा, है ना। यू विल बी अ स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी होगे। ही विल बी अ टीचर, वह टीचर होगा। ही विल बी अ इंजीनियर, वह इंजीनियर होगा। तो इस तरह से नाउन हो गया। अगर नाउन यहां पे नहीं है, एडजेक्टिव आ गया, तो इस एडजेक्टिव में आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने कहा वे लोग ईमानदार होंगे। ईमानदार एक क्वालिटी है, तो वे लोग का अंग्रेजी हो गया दे विल बी, दे विल बी ऑनेस्ट। अब एन ऑनेस्ट मत करना, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नाउन के साथ होता है। तो आपको बोलना और लिखना सिखा रहा हूँ, साथ साथ करेक्शन भी सिखा रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो। तो फटाफट बोलो, वे लोग ईमानदार होंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, वह महान आदमी बनेगा। ही विल बी अ ग्रेट मैन, लता एक नर्स बनेगी। लता विल बी अ नर्स। देखो नर्स हो गया नाउन, तो हमने ए लगा दिया ना, तो लता विल बी अ नर्स। हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हैंग्री, तो वी शैल बी हैंग्री। अब मेरे साथ बोलो, मैं एक महान बनूंगा, आई विल बी अ ग्रेट मैन। वह एक नर्स बनेगी, सी विल बी अ नर्स। तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। आप सभी ईमानदार होंगे, यू विल बी ऑनेस्ट, नॉट एन ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप आराम से सेंटेंस। अब चलो बिना अंग्रेजी, बिना मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आपको अंग्रेजी बोलना है मेरे साथ, फटाफट बोलिए वे लोग ईमानदार रहेंगे। जल्दी से बोलो, वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह महान बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट मैन। हमने बोला लता एक नर्स बनेगी, लता विल बी अ नर्स। हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी या वी विल बी हंग्री, राइट। बिना इसके रहे सेंटेंस में हजार सेंटेंस आपको बोलना है। अगर मान लो ये नहीं भी हो, स्ट्रक्चर आपके पास है, सब्जेक्ट 50 ले लो, यहाँ पे सब्जेक्ट आई ले लो, सब्जेक्ट वी रख लो, सब्जेक्ट यू रख लो, सब्जेक्ट ही रख लो, सब्जेक्ट सी रख लो, सब्जेक्ट दे रख लो, सब्जेक्ट राम रख लो, सब्जेक्ट लता ले लो। जो सेंटेंस दिखता है आप जो मन करे ले लो। सब्जेक्ट हमने कहा आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ नर्स, यू। अब देखो वी ले लिया, वी शैल बी अ नर्स, वी शैल बी अ डॉक्टर, वी शैल बी ऑनेस्ट, वी शैल बी काइंड, जो मन करता। अब यहाँ पे यू ले लिया, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ नर्स, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी एन इंजीनियर, यू विल बी ऑनेस्ट, यू विल बी काइंड, यू विल बी, जो मन करता हो व्हाटएवर आप बोल सकते हो। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जितना मन करे ले लो, बस अंग्रेजी बोलना शुरू करो मेरे बच्चे, बोलना शुरू करो। आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लॉलीपॉप, आसान हो जाएगा। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस कैन में बी नाउन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बी का मतलब क्या? पहले भी कहा था ना, बी का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, आप V1 बोल सकते हो। बस अंतर समझो में और कैन में, माइनर डिफरेंस क्या है ध्यान देना। कैन का मतलब पावर, कैन का मतलब पावर। जैसे आपके अंदर थोड़ा सा पावर आ गया, और पॉसिबिलिटी, पावर प्लस पॉसिबिलिटी, पावर प्लस पॉसिबिलिटी, राइट बच्चे। तो पावर के साथ पॉसिबिलिटी हो तो कैन का प्रयोग करना। आपके अंदर पावर है और संभावना है। जैसे सर मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, तुम इसलिए तुम वहाँ जा सकते हो। लता पढ़ सकती है, लता अंग्रेजी बोल सकती है, लता वहाँ जा सकती है। तो जो भी हो, लता वहाँ जा सकती है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तुम वहाँ जा सकते हो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ये क्या है? संभावना भी है और पावर भी है। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, पावर होगा तब ना पीटूंगा। तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, वह तुम्हें पीट सकता है, वह तुम्हें पीट सकती है, इस तरह से होगा तो कैन का प्रयोग करना। मैं कहाँ सर? तो मैं पावर नहीं, सिर्फ संभावना, सिर्फ पॉसिबिलिटी। तो मैं का प्रयोग करना पॉसिबिलिटी में, संभावना में। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, या फिर परमिशन लेने में, किसी से परमिशन लेना है तो उस केस में मैं का प्रयोग करना। वैसे तो मॉडल्स हमने एक अलग वीडियो बनाया है, लेकिन मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके बोलने के लिए। आप यूट्यूब पे जाओ और जा करके ढूंढ लो मॉडल सर ने क्या पढ़ाया। जबरदस्त मॉडल क्लास, मैं का कितना प्रयोग है, माइट का कितना प्रयोग है, कैन का कितना प्रयोग है, हमने अलग अलग पढ़ाया है। लेकिन आज जो मैं दे रहा हूँ वो सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, जिसे आपको बोलना आ जाएगा। हमने कहा तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बोलो पावर प्लस संभावना है कि नहीं है। तो हमने बोला तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। लता अंग्रेजी बोल सकती है, लता कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। प्रिया अंग्रेजी बोल सकती है, प्रिया कैन स्पीक इंग्लिश। संदीप अंग्रेजी बोल सकता है, संदीप कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। तुम उसे पीट सकते हो, यह भी पावर प्लस संभावना है, तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। लता उसे पीट सकती है, लता कैन बीट हिम। संदीप उसे पीट सकता है, संदीप कैन बीट हिम। कौशल पीट सकता है, कौशल कैन बीट हिम। कर सकते हो इसको आप, इस तरह से है। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। लता यह काम कर सकती है, लता कैन डू दिस वर्क। तो आप सेंटेंस जितना मन करे जल्दी जल्दी बोलना है, जिससे माइंड एडजस्ट कर जाए। आज वर्षा हो सकती है, अब बोलो आज वर्षा हो सकती है। क्या पावर है? क्या संभावना है? क्या प्योर संभावना है सर, ये पावर नहीं है। क्यों? आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी। हमने क्या लिखा मे में? पॉसिबिलिटी। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। अब यहाँ पे मे की बात और क्या करें। जब हम इसी स्ट्रक्चर को अगर कैन और मे को पहले कर दें तो ये परमिशन को शो कर देता है। जैसे बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ आपको करके, इस तरह से आप बोलिए। और इसको जब अगर आपको परमिशन दिखाना है, जब आपको परमिशन दिखाना हो तो उस केस में स्ट्रक्चर आप ऐसे कर सकते हो, कैन या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, राइट। हमने कहा मे आई कम इन सर, मे आई कम, कमिंग नहीं, मे आई कम इन सर। बहुत लोग COMING कमिंग कर देते, ऐसा नहीं करना। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जा सकता हूँ? क्या मैं अंदर, मे आई कम इन सर, राइट। कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन सर नहीं बोल सकते। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं और वहाँ पे कैन आई कम इन सर बोल देते हैं। सर के साथ कभी भी कैन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि कैन जो है ये रफ को शो करता है और मे जो है ये परमिशन को शो करता है। बस मेरे हो, मे शो करता है परमिशन और कैन शो करता है रफ परमिशन, रफ परमिशन। अगर परमिशन रफ है ना तो क्या प्रयोग करना? कैन का। और अगर परमिशन क्या सिर्फ परमिशन है तो मे का प्रयोग। जैसे फॉर्मल, इसको तुम कह सकते हो फॉर्मल, फॉर्मल, राइट। बच्चे सेंटेंस कॉपी कलम निकालो, लिख लो। हमने कहा परमिशन फॉर्मल हो, एग्जाम्पल लिख लो, मे आई कम इन सर, ये फॉर्मल है। चूंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप फॉर्मल हो। ये नहीं कि इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, गए हाथ मिलाए और सब कैसे, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप वहाँ शिष्टाचार निभाना है। तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक इट सर, मे आई हैव अ यूज योर पेन, मे आई हैव अ लंच विथ यू, मे आई हैव अ चॉक विथ यू, राइट इस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो जहां भी आप फॉर्मल हो। फिर से एक बार, मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट सर, क्या मैं इसे ले लूँ सर, मे आई टेक इट सर, मे आई गो आउट सर, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर पेन लिख लोगे ना, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपको कॉपी कलम से लिख लेना है और 1000 सेंटेंस बोलना है, तब ना मजा आएगा। मे आई यूज योर पेन, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, मे आई यूज योर पेन, मे आई टेक इट, मे आई हैव अ टी विथ यू, मे आई हैव अ कॉफी विथ यू। तो जहाँ भी सर्विस हो, जितना मर्जी हो, मे का प्रयोग कर सकते हो। सेम चीज़ कैन, कैन कहाँ, अपने दोस्तों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, मित्रा के साथ हो, जिसके साथ भी हो, तो वहाँ पे आप मे कैन का प्रयोग कर सकते हो। रफ परमिशन, रफ क्या होता है भाई, जहाँ से पता है कि आप घुस सकते हो कमरे में, तो आप कैन आई कम इन, सर मत लगा ना, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू। तो कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ डिनर विथ यू, कैन आई हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, वॉट एवर कम्स योर माइंड यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो हमने कहा कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ डिनर विथ यू, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई हैव, जो मन करे जोड़ दो, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर, तो जितना भी सुनिए सो बेटा अब बोल सकते हो कैन आई यूज, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, राइट। तो आप बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, कॉपी कलम लिखना, वीडियो को पॉज करना और इसको आप लिख लेना। सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आपको लिखने आए। फिर से एक बार हमने कहा क्या मैं अंदर आ जाऊं सर, फॉर्मल, मे आई कम इन सर। क्या मैं बाहर जाऊं सर, मे आई गो आउट सर। और कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैं अंदर आ जाऊं दोस्तों से, फ्रेंड से, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, कैन आई टेक इट, क्लियर। अब देखते हैं बेटा तीसरा स्ट्रक्चर। यहाँ बच्चे क्या है, मैं बेसिकली आपको बोलना सिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर कहता है, अब यहाँ पे जानो क्या कहता है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड क्या है सर, तो शुड का मतलब जहाँ पे सलाह देना हो, एडवाइस, किसी को भी आप अगर एडवाइस दे रहे हो तो बी मतलब होना हो गया, जब होने का बोध होगा, या फिर वी1 लगा सकते हो। जैसे हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, यू शुड कम टू मी, राइट। अब यहाँ बोला V1 लगा करके, अब B लगा सकते हो, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें नर्स होना चाहिए, यू शुड बी अ नर्स, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर। तो आप स्ट्रक्चर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर के माध्यम से तो आप 1000 सेंटेंस लिखो। हमने कहा यू शुड बी देयर, है ना, तुम स्टूडेंट हो सकते हो, होना चाहिए, यू शुड बी अ स्टूडेंट, यू शुड बी अ स्टूडेंट, तुम्हें स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। तो आप सेंटेंस यू शुड रीड इंग्लिश, यू शुड गो योर होम, यू शुड गो योर होम, यू शुड स्पीक इंग्लिश, अगर यहाँ हैव लगा देंगे तो शुड हैव कर सकते हैं, यू शुड हैव स्पोकन। कहने का सेंस बेटा ये है कि शुड के पास बी, अब यहाँ पे बी वी1 के बदले आप चाहो तो हैव लगा सकते हो, हैव प्लस वी3। तो यह स्ट्रक्चर, इसका भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पे इसको देख लेना और सेंटेंस बढ़िया से करना और बताना आप मुझे कि अगला वीडियो किस तरह का देना है, मॉडल्स का कितना बढ़िया देना है। और एक बात ध्यान रखना, खास बात, यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब आप आगे बढ़ोगे तो परेशानियाँ आएंगी, तो YouTube का पूरा वीडियो आप आराम से देखो और देखने के साथ आप एक एक वीडियो को खंगालो और कॉपी कलम लेके पढ़ना शुरू करो। अब आप दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आप आ सकते हो और आ करके मेरे फेस टू फेस क्लास ले सकते हो। अब कहो सर दिल्ली नहीं आ सकते, तो घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले लो, बस DSL का एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करना है और एक विस्तृत क्लास उसमें ले सकते हो और ले करके स्पोकन भी क्लास कर सकते हो और फाउंडेशन भी कर सकते हो। सबके ऑप्शन हमने दे दिए हुए हैं, इस तरह से आपका क्लास बेहतर हो जाएगा घर बैठे भी। इसके साथ दिल्ली ना चाहो दिल्ली भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं रहा, अब दिल्ली दूर नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।